हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि भक्तों के मौत पर दुख जताते हुए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। वहीं नारेबाजी के दौरान सरकार और प्रशासन से कई तरह की मांग भी की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने के कारण 121 लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर लगातार जो है राजनीति भी काफी तेज हो गई। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है, जहां पे आज जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। योगी सुभाष को दिखाया कि आज जो है यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा, लोगों को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पे कैंडल मार्च कुछ देर में यहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला जाएगा, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? चाहेंगे जिस तरह से हाथरस में 121 लोगों की जान चली गई थी कैंडल मार्च के कारण, ये सब चीजें बकरी रहती है। तो जिस तरह से हादसा हुआ है, 121 लोगों की जान चली गई है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार को चाहिए कि मुआवजा दे, प्रशासन जो है ना इस तरह करके नुकसान पे का जिम्मेदार है कि वो इसके नुकसान की भरपाई करे। बेचारों की जिंदगी चली, किसी कमाने वाला नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, वो भी परेशान भी हुए हैं, जान गई है। लेकिन अगर बात करेंगे जो भोले बाबा की तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं इनका केस, उनका कहना है एपी सिंह का कि ये हादसा नहीं साजिश है। साजिश है या हादसा है, नुकसान तो हुआ ना, इंसानियत का तो नुकसान हुआ ना, नुकसान तो इंसानियत का हुआ ना। झगड़ा बहुत ज्यादा है, कम से कम 400-500 का आदमी है, 2 लाख की भीड़ होती है, 40,000 की परमिशन दी जाती है। वहाँ पे DM है, SDM है, स्टेबल इंस्पेक्टर है, क्या कर रहे थे? उनकी परमिशन नहीं है तो 2 लाख लोग कैसे आए?